जनरली आपको पता है कि हम नंबर्स लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ट्वेंटी स्टूडेंट्स ठीक है मैंने लिखा ट्वेंटी स्टूडेंट्स ठीक है तो स्टूडेंट्स आपके एक से ज्यादा है तो आपने यहां पे लिख दिया ट्वेंटी स्टूडेंट्स राइट गाइज ये आपको पता है कि आपका एक से अधिक होता है तो आपका नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ठीक अगर मैं यहां पे एक वर्ड एक सेंड लिखती हूं वन हंड्रेड ठीक है वन हंड्रेड रुपीस और गईस लेट मी आठ स्लाइड्स चलो अगर मैं यहां पे लिखती हूं वन हंड्रेड वन हंड्रेड्स ठीक है या फिर फाइव हंड्रेड्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ five hundreds तो हमने five लिखा है तो हमने यहाँ पे hundreds लिखा ठीक है five dozens मतलब कि अगर dozens एक से ज़्यादा है तो मैंने लिख दिया five dozens ठीक है मैंने लिखा uh, ten thousands ठीक है मैंने लिखा ten thousands तो आपने यहाँ पे गाइस नंबर आपके एक से अधिक है ओके okay? नंबर जब आपके एक से अधिक है मतलब कि फाइव है फाइव है टेन है तो आपने हंड्रेड दर्जन थाउजेंड्स लिख दिया राइट right गाइस तो क्योंकि आपका यहां पे एडजेक्टिव प्लुरल है तो गाइस यहाँ पे आपका नाउन भी प्लूरल हो जाएगा

ठीक है जी ओके गाइस अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, तो आपका ये सारे सेंटेंसेस गलत हो गए क्यों गलत हो गए गाइस क्योंकि आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पीपल एग और रुपीस यहां पे अब नाउन ऐड हो गए ठीक है अब ये आपके नाउन है पहले ये आपका नाउन था ठीक है पहले हंड्रेड डजन थाउजेंड्स आपके नाउ थे और ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहे थे राइट right, गाइस मगर जब मैंने इनके साथ नाउन ऐड कर दिया तो अब आपके यह नाउन है मतलब फाइव हंड्रेड पीपल फाइव डजन एग टेन थाउजेंड्स रुपीज तो अब आपके नाउन हो गए ये ठीक है अगर ये आपके नाउन है तो अब ये बाकी पार्ट कितना हो गया क्या हो गया गाइस ये बाकी पार्ट हो गया आपका एडजेक्टिव ठीक है यह बाकी पार्ट आपका हो गया एडजेक्टिव हुआ कि नहीं जैसे मैंने लिखा फाइव बॉयज तो फाइव आपके एडजेक्टिव हो गए टू बॉयज टू आपके एडजेक्टिव हो गए वैसे हंड्रेड आपके एडजेक्टिव हो गए आपके एडजेक्टिव हो गए टेन थाउजेंड आपके एडजेक्टिव हो गए ये वाली बात क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है तो guys, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल इंग्लिश का ध्यान रखना है कि आपके पूरे ग्रामर में सिर्फ नाउन और वर्ब ही सिंगुलर से प्लूरल प्लूरल से सिंगुलर होते हैं आप किसी और को सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते तो यहाँ पे गाइस अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इफ दे आर एडजेक्टिव दे विल नॉट बी प्लूरल अगर ये एडजेक्टिव है अब तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो आप इसको कट कर देंगे ठीक है तो 500 हंड्रेड पीपल ओके 500 हंड्रेड पीपल करेक्ट होगा फाइव हंड्रेड पीपल बिल्कुल गलत हो जाएगा फाइव फाइव एक्स एक्स नहीं होगा Five dozen होगा गाइस क्योंकि अब ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता ओके गाइस टेन थाउजेंड्स रुपीज तो ये गलत है टेन थाउजेंड रुपीस होता है तभी गाइस हम लिखते हैं अच्छा वन ठीक है वन ईयर्स नहीं लिखती हूं फाइव ईयर्स ठीक है मैं लिखती हूं फाइव ईयर्स तो फाइव ईयर्स हो सकता है एक ईयर दो ईयर तो एक से ज्यादा ईयर हो गया तो मैं फाइव ईयर्स लिख सकती हूं मगर अब मैं लिखू फाइव ईयर्स फाइव ईयर ओल्ड बॉय ठीक है फाइव ईयर ओल्ड बॉय तो आप यहां पे आपका नाउन गाइस कौन हो गया अब यहां पे नाउन हो गया आपका बॉय तो ये पूरी बात एडजेक्टिव है राइट अब ये पूरी बात एडजेक्टिव हो गई और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते तो ये वाला पार्ट गलत तो फाइव ईयर ओल्ड बॉय होएगा ठीक है एक क्वेश्चन एस बहुत ज्यादा देती है टू हंड्रेड रुपीस टू हंड्रेड रुपीस नोट ठीक है गाइस टू हंड्रेड रुपीस नोट्स ओके तो अब आपका यहाँ पे नाउन कौन है नाउन तो आपका नोट है जिसके बारे में बात चल रही है तो नोट कितने हैं कौन से हैं टू हंड्रेड रुपीज के नोट हैं टू हंड्रेड रुपीज के नोट है, है गाइस तो अगर टू हंड्रेड रुपीज के नोट हैं तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनता है तो टू हंड्रेड रुपी नोट आएगा ना हंड्रेड्स होगा ना रुपीज होगा अब ये होगा टू हंड्रेड रुपी नोट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि जब भी आपके नाउन अगर कोई भी नंबर्स के साथ आएं तो आप नहीं करेंगे जब वो एडजेक्टिव का काम करेंगे ठीक है तो नाउन और वर्ब ही आपका सिंगुलर प्लूरल होता है एडजेक्टिव को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं गाइस जल्दी से एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं आई गेव हिम टू आई गेव हिम टू हंड्रेड्स हंड्रेड्स रूपीज ठीक है इसमें एरर बताना है आई गेव हिम टू हंड्रेड हंड्रेड रुपीज तो गाइस यहां पे नाउन आपका रुपीज है मतलब कि बाकी पूरी बात आपके एडजेक्टिव है बाकी पूरी बात एडजेक्टिव है तो पूरी बात जब एडजेक्टिव है एडजेक्टिव बिल्कुल भी प्लुरल नहीं बनता तो यहाँ पे हो जाएगा एस कट जाएगा आई गेव हिम टू हंड्रेड रूपीज ओके आई गेव हिम टू हंड्रेड अब ये करेक्ट हो गया ठीक है ही गेव मी फाइव डॉजन पेंसिल्स ठीक है ही गेव मी फाइव डॉजन पेंसिल पेंसिल आपका नाउन हो गया अगर नाउन ये है तो फाइव डजन आपका एज्जेक्टिव है फाइव डजन एज्जेक्टिव है तो डे फाइव डजन जो है प्लुरल तो हो नहीं सकते क्योंकि एज्जेक्टिव का, का काम करें तो हम इसको ऑप्ट करेंगे ठीक है जी ओके गाइस दे आर ओके okay, कुछ क्वेश्चंस इसमें मै वो हो रहे हैं देर आर डैश ऑफ देर आर डैश ऑफ पार्शली बिल्ट हाउस ठीक है देर आर डैश ऑफ पार्शली बिल्ट हाउस तो गाइज अब आप देखें हंड्रेड 100 या हंड्रेड ऑफ पार्शली बिल्ट हाउसेस की बात चल रही है अब यहाँ पे हंड्रेड आपका एबजेक्टिव तो काम नहीं कर रहा ठीक है ये नाउन ऑफ का नाउन स्ट्रक्चर है तो आप हंड्रेड ऑफ पार्शली बिल्ट हाउस लिख सकते हैं गाइज आपको ऑफ डेफिनेट इन डेफिनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी ठीक है ही इज टेन ईयर्स ओल्ड ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन है जो क्लियर दिख नहीं रहा है ही इज टेन ईयर्स ओल्ड ठीक है तो होगा ही इज टेन ईयर्स ही इज टेन ईयर ओल्ड तो आई आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो कोई भी एडजेक्टिव हो चाहे नंबर्स क्यों ना हो वो कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं तो गाई सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक like जरूर कीजिएगा शेयर कर, कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है गाइस ये रूल्स की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर करके पढ़ाते रहूंगी तो गाइस स्टे यू बाय गाइस टेक यूर बी हैप्पी